तो लेक्चर 26 तक हमने समाधान के 9 बिंदुओं पर चर्चा की और लेक्चर 27 और 28 में हम उसको पूरी बात को समाप्त कर रहे हैं और आज कंटेंट को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे लेक्चर 28 कंप्लीट करके। इसमें जो मौलिक बात है वो ये है कि मानव को चाहना निरंतर सुख है जो ज्ञान और समाधान से पूरी होती है, और समाधान को फैलाते हैं तो 9 बिंदु दिखाई देते हैं, ज्ञान, विवेक, विज्ञान, व्यवहार, कार्य, व्यवस्था में भागीदारी, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा। और इसमें मूल मुद्दा ज्ञान का है, इस पर उन्होंने समय ज्यादा लगाया, उसमें भी मानव का ज्ञान, मानव के ज्ञान पे अगर हम ठीक से काम करें उसमें भी सेल्फ के ज्ञान, तो बाकी चीजें धीरे धीरे हमें और स्पष्ट होने लगती हैं। तो हम लोगों ने ज्ञान में मानव के ज्ञान पे समय लगाया, इसके ही कॉन्टिन्यूटी में फिर हमने अस्तित्व की समझ पे, अस्तित्व के ज्ञान पे समय लगाया, उस क्रम में हमने प्रकृति को पूरा विस्तार से समझने का प्रयास किया और फिर हमने मानव के आचरण के ज्ञान पे बात की। ज्ञान स्पष्ट होता है तो उसे हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट होता है जिसको विवेक कहा, और विवेक स्पष्ट होता है तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए करना क्या है ये स्पष्ट हो पाता है, योजना, कार्यक्रम, क्रियान्वयन किस प्रकार करना है। और ये जो हम विज्ञान के स्तर पे काम करते हैं वो स्थान के अनुसार, समय के अनुसार बदलता भी रहता है, तो ज्ञान अपने आप में निश्चित है, ज्ञान के द्वारा विवेक निश्चित है, विज्ञान में विविधता है, वेरिएशन है समय के साथ, परिस्थिति के साथ, जैसे समय परिस्थिति होती है वैसा हम विज्ञान तय करते हैं। फिर उसका एक्सप्रेशन है व्यवहार में, कार्य में, भागीदारी में, और वही जब समाज में स्थापित होने लगता है तो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, और वही जब पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है तो मानवीय परंपरा के रूप में दिखाई देता है। ये पूरी स्पष्टता हमको हो जाए, ये इस कोर्स का मुख्य आशय है कि पूरी स्पष्टता हो जाए, है ना। अब इसको ही अपने आप को स्वयं में ध्यान देते रहना है, फैलाना है। अभी हम जहाँ जिस परिस्थिति में जी रहे हैं उसके साथ इस पूरे प्रस्तावना को रिलेट करके देखना है, पूरे समाधान को, कि यहाँ वो समाधान कैसे काम कर रहा है, यहाँ ज्ञान से कैसे विवेक तय होगा और कैसे विज्ञान तय होगा। जहाँ मैं जी रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं फैकल्टी हूँ, मैं है ना घर में हूँ, मैं बाहर कोई काम कर रहा हूँ, ठीक, संबंधों में परिवार के साथ संबंधों की बात है, समाज के लोगों के साथ संबंधों की बात है, मैं व्यवस्था में कोई भागीदारी कर रहा हूँ, किसी फैल का एक बड़े स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, अल्टीमेटली हम सबके लिए समाधान वही है, उसका स्वरूप वही है। उसको अभी हमें इस कोर्स का अगर की टेक अवे देखें तो ये है कि हम समाधानित हो जाए, है ना। और जब भी किसी परिस्थिति में फंस रहे हैं, व्यवहार में फंस रहे हैं, तो हम लौट कर उसके पीछे के विज्ञान को देखें, विज्ञान के पीछे विवेक को देखें, विवेक के पीछे ज्ञान को देखें। अगर कहीं उत्पादन में फंस रहे हैं फिर उसके पीछे लौटते लौटते ज्ञान तक देखना है। कहीं समाज की व्यवस्था में भागीदारी करते हुए फंस रहे हैं, है ना, कोई सामाजिक मुद्दा है, फिर उसको धीरे धीरे करते करते ज्ञान तक ले जाना है, फिर वहां से कनेक्ट करके पूरे समाधान को देखना है। तो जो सार है इस पूरे कोर्स का ये है कि हम समाधानित हो जाएं, और समाधान के मूल में ज्ञान है, ये हमको दिखाई दे। अब ज्ञान के एक मुद्दे पे अपने को काम करना है, चिंतन की क्रिया कैसे जागृत हो, बोध की क्रिया कैसे जागृत हो, कैसे अनुभव तक पहुंचे। तो मॉड्यूल 5 के आखिरी लेक्चर पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो हमें ये दिखता है कल की पूरी चर्चा के फॉलोअप में अगर हम चले कि मानव को जो करने योग्य है वो ये है कि सहअस्तित्व का ज्ञान हो जाए, सहअस्तित्व पूर्वक जीना हो जाए, है ना। उसी को और फैलाकर कहें तो संबंध का चिंतन हो जाए, व्यवस्था का बोध हो जाए, सहअस्तित्व का अनुभव हो जाए, इतना ही कुल करने का काम है ना, और ऐसा ही हमारा जीना हो जाए। जब ऐसा जीते हैं तो मानवीय आचरण के रूप में दिखाई देता है। तो मानवीय आचरण को जब रखने गए तो उसका एक स्वरूप दिखाई देता है, एक मॉडल दिखाई देता है कि इस रूप में देख सकते हैं। और ये भी अगर इस पूरे डायग्राम को देखें तो ये एक की टेक अवे है इस पूरे कोर्स का कि हमको ये स्पष्ट रहे हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ पहुंचना है। तो स्वयं में गति करते हुए अनुभव तक पहुंचना है, परस्परता में गति करते हुए सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा तक पहुंचना है, और हम कहीं बीच में हैं, और हम सब कहीं बीच में हैं, है ना, कोई थोड़ा आगे कोई थोड़ा पीछे हो सकता है, बट अल्टीमेटली करने का काम यही है। और जब ये अंदर की ओर जितनी गति करेंगे उतना स्वाभाविक रूप से हमारे आचरण में जाएगा, मानवीय आचरण के रूप में हमारा व्यवहार, कार्य, भागीदारी धीरे धीरे व्यवस्थित होता जाएगा, हमारी दृष्टि ये
छिटपुट घटनाओं से आगे बढ़कर, परिवार के 4-6 लोगों से आगे बढ़कर, है ना, अपने जीने में कुछ सुविधाओं को जुटाने से आगे बढ़कर पूरी मानवीय परंपरा तक जाएगा। अल्टीमेटली मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ स्वयं में ज्ञान के लिए और धरती पे मानवीय परंपरा के लिए कर रहा हूँ। ऐसा एक संस्कृति बन जाए समाज में, ऐसी एक स्वीकृति बन जाए, इसके लिए ही काम करना है, इसके लिए सारी शिक्षा है। तो एक मॉडल ये दिखाई देता है कि स्वयं में अनुभव के लिए काम कर रहे हैं और परस्परता में फैल कर मानवीय परंपरा के लिए भागीदारी कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने बात किया था। तो इसको ही अपने आप में सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। तो अभी हमें तो अनुभव नहीं हुआ है सरस्वती का, है ना, बट उसके लिए काम तो करना है। उसके लिए करना क्या है, तो हम इस पूरे कोर्स में देखें तो लेक्चर्स 1-28 में उसको हम समझने का प्रयास करते रहे, उस पूरे प्रस्तावना को ध्यान से सुनना, उसकी बारीकियों पे ध्यान देना, एक शब्द के अर्थ में जाना, उसको अपनी पूरी कल्पनाशीलता में फैलाना, उसको स्वयं में जांच कर देखना और फिर उसको जी कर देखना, है ना, एक भाग। और दूसरा हम लोगों ने अभ्यास किए, अगर प्रैक्टिस देखें 1-14 यानी अभ्यास 1 और अभ्यास 2, तो एक प्योर ऑब्जर्वर की तरह स्वयं में देखना जो हमको जांचने में सहयोग करेगा, हमको अपने मूल्यांकन में सहयोग करेगा कि मैं उसको जी पा रहा हूँ कि नहीं, मैं उसको देख पा रहा हूँ कि नहीं। तो इस क्रम में हम लोग अभ्यास 1 और 2 किए। अभ्यास 1 में हमने मूलतः अपने भाव पे ध्यान दिया कि मेरे भाव की स्थिति क्या है, और अभ्यास 2 में अपने शरीर से जुड़ाव को देखा हमने, शरीर से मैं किस तरह जुड़ा हुआ हूँ, किस तरह मेरा शरीर के साथ सहस्तित्व बना हुआ है। ये दोनों अभ्यास धीरे धीरे हमको अभ्यास 3 के लिए तैयार कर रहे हैं। अभ्यास 3 में हम शून्य को और शून्य में स्वयं को देखने का अभ्यास करते हैं, और अभ्यास 3 के लिए आपको दिखेगा कि और भी तैयारी की जरूरत हो सकती है। अभ्यास 1 में ही और गहरे में उतरेंगे, है ना, हमारे भाव निश्चित होने शुरू हो जाएं, भाव में जो भगदड़ है, विचारों में जो भगदड़ है, संस्कारों का जो बोझ है, मान्यताओं संवेदनाओं की जो परतंत्रता है, उससे जितना जितना हम बाहर निकल पाएंगे उतना उतना सहज रूप से हमारी जिज्ञासा और तीक्ष्ण होती है और बारीक होती है कि मूल वस्तु को देखा जाए। जो मूल वस्तु है वह संपृक्तता है, अस्तित्व है। वैसे ही जब भाव पे काम कर रहे होते हैं तो हमको शरीर संवेदना मिल रही होती है, उस संवेदना को हम ठीक से अगर मूल्यांकित ना करें तो हम उसी में उलझ जाते हैं। हम भाव पे ध्यान देने गए, शरीर से जो संवेदना आ रही है वो कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, और हमारा ध्यान उधर ही फैल गया, उधर ही बट गया, और चूंकि शरीर और मैं की स्पष्टता ठीक से न हो तो अपने आप को शरीर मानकर जीते हुए हम खुद भी फैलाते रहते हैं, अनुकूल संवेदना के लिए संग्रह के लिए फैलाते रहते हैं, तो उससे भी हम निकल पाए। इन दोनों को निकलने से जो मूल मुद्दा है सहस्तित्व संपृक्तता, उस पर ध्यान जाता है। ये अभ्यास हम लोग अभ्यास 1 और 2 में करते रहे। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से अगर गति को देखें तो ऐसा दिखाई देगा, जो एरोज है आप देखेंगे कि इसमें उल्टी दिशा में है। तो अभी हम हो सकता है चयन आस्वादन के स्तर पे जी रहे हो, इससे आगे बढ़कर विचार में जाते हैं, तो चयन से आस्वादन, आस्वादन से विश्लेषण, विश्लेषण से तुलन, तुलन से फिर चित्रण, चित्रण से चिंतन, चिंतन से संकल्प, संकल्प से बोध, बोध से प्रमाण, प्रमाण से अनुभव, यानी हम ऊपर की ओर गति कर रहे हैं, है ना। इस पे एरो जिस तरह से प्लेस्ड है उस पर हमने विस्तार से बात किया था। तो अनुभव की ओर गमन कर रहे हैं एक स्थिति है, अनुभव हो गया है और फिर उतर के नीचे की ओर देख रहे हैं एक दूसरी स्थिति है। तो अभी तो हम नीचे से ऊपर ही जा रहे हैं, है ना, तो उसमें अलग अलग पड़ाव है, कोई एक पड़ाव पे है, कोई दूसरे पड़ाव पे है, कोई हो सकता है अभी किसी संवेदना में उलझ गया है नहीं निकल पा रहा उससे, कोई हो सकता है विचार में कहीं उलझ जा रहा है उससे नहीं निकल पा रहा, कोई हो सकता है किसी गहरे संस्कार में उलझ गया है, कोई मान्यता में उससे नहीं निकल पा रहा, कोई हो सकता है कि उसके आगे देख पा रहा है, चिंतन की स्थिति में पहुंच पा रहा है, कोई भाव स्पष्ट हो गया है बट आगे के भाव नहीं दिख पा रहे। जो भाव स्पष्ट हो व्यवस्था स्पष्ट हुई है बट आंशिक रूप से, पूरी प्रकृति की व्यवस्था स्पष्ट नहीं हो पा रही, उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी हम लोअर टू हायर एक्टिविटीज में गति कर रहे हैं। अभी हमको लोकेट करना है ठीक से, इनफैक्ट जिसको हम सही आकलन कहते हैं, राइट इवैल्यूएशन, वो मेरा राइट इवैल्यूएशन ये है कि मैं अभी कहाँ हूँ। इसमें अभी आप देखेंगे तो उसमें लोकेट करने के लिए बहुत सारे चीजें ध्यान में आएंगी कि अभी आशा में
किन बातों की आशा मुझे घेरे रहती है, कौन कौन से आस्वादन मुझे घेरे रहते हैं, दृष्टियां जब मैं विचार में देखता हूँ तो कौन सी दृष्टियां हावी रहती हैं, इच्छा के अवसर पर देखता हूँ तो कौन सी मान्यताएं, कौन से भाव का प्रभाव मेरे में हावी रहता है, ये सब अपना सही मूल्यांकन है। जब इतनी बारीकी इतनी सूक्ष्मता से आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे तभी आप दूसरे का भी ठीक ठीक कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमको अपने बारे में ये सब होश ना हो और दूसरे का आकलन करने जाएं तो फिर ये जो बेहोशी है उस पर हावी हो जाएगी। तो एक महत्वपूर्ण काम ये है जो हम लोग अभ्यास एक में करते रहे कि मैं अपना राइट इवैल्यूएशन कर पाऊं। तो जब हम लोग सम्मान के भाव की बात करते हैं ना कि राइट इवैल्यूएशन, और उसमें फिर कहते हैं जो चूक होती है अधिमूल्यन, अवमूल्यन, अमूल्यन, ये सब चूक हमारे स्वयं में भी हो रही है। अगर मैं इस पूरे क्रम में कहाँ खड़ा हूँ उसको ना ठीक से देख पाऊँ, जहाँ उसे ऊपर मान लिया तो अधिमूल्यन, उससे नीचे मान लिया अवमूल्यन, अन्यथा पे ध्यान जा रहा है, वस्तु पे ध्यान ही नहीं जा रहा, अवमूल्यन, तो इसको भी हम बारीकी से अपने आप पे देखेंगे। देखिए क्रिया में देखने की जरूरत है कि आशा में अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, विचार में, इच्छा में, या ऊपर गति कर पाया हूँ। इसको भी अगर लिख लिख के करना शुरू करें ना, तो आस्वादन कौन सा हावी रहता है, विचार में कौन सी दृष्टि हावी रहती है, कब हावी हो जाती है, उसके पीछे क्या संस्कार है मेरा, ये एक काम है करने योग्य। तो ये जब नीचे से ऊपर क्यों जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति दिखाई देगी। तो लेक्चर्स 1-28 में हम लोग इस रूप में अपना मूल्यांकन करते हुए, वस्तु को ध्यान से देखते हुए, उसके प्रस्ताव को ग्रहण करते हुए, उसकी सूक्ष्मता पे ध्यान देते हुए, संबंध पे, व्यवस्था पे, अस्तित्व पे एक क्लैरिटी तो बनी, एक स्पष्टता बनी, कम से कम ब्लॉक B2 में। ये जो हमने चयन किया है कि रोज सुबह 1 घंटा लगाना है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ये चयन तभी कर पा रहे हैं जब इसमें हमको सुख दिख रहा है, तो आस्वादन तो हो रहा है। ये जो सुबह इतने सारे हम प्रश्न करते हैं, प्रश्नोत्तरी होती है, यानी हम विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक, और हम जब जीने से जुड़े प्रश्न करते हैं, ये ठीक रहा, नहीं रहा, ये अच्छा रहा, बुरा रहा, है ना, तो हम तुलन भी कर रहे हैं, और फिर इसको होमवर्क के रूप में आप पूरा चित्रित भी करने का प्रयास कर रहे होंगे कि अच्छा अगर ऐसा ठीक है तो फिर मेरा जीना ठीक कैसे होगा, सही जीना मेरे लिए क्या होगा। ये भी एक उपलब्धि की बात है ना, कम से कम इतना तो हम कर पा रहे हैं। और उसी को कैसे हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से देखें एक्सपीरियंशियली, जिसके लिए हमने अभ्यास 1 और 2 किया। तो अभ्यास 1 में 7 स्टेप्स थे, अभ्यास 2 में 7 स्टेप्स थे, अब इसमें थोड़ी और गति बन जाए तो अभ्यास 3 भी करेंगे। तो संबंध का चिंतन कैसे हो, जहाँ से ज्ञान की शुरुआत है उस पर अभ्यास 1 फोकस्ड है। तो अब इसमें करने का काम क्या है, तो एक तो स्वयं में जांच परख, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो प्रस्ताव मिले तो कई बार हमने कहा कि प्रस्ताव को ध्यान से सुनना भी एक काम है, और ध्यान से सुनना और कान से सुनना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ध्यान से सुनते हैं उसको हम पूरे चित्रण तक ले जाते हैं, है ना, शब्द आया, शब्द को अर्थ दिया, अर्थ के आधार पर पूरे जीने को चित्रित किया, व्यवस्था को चित्रित किया, संबंध को चित्रित किया। तो ध्यान से सुनना, फिर उसको स्वयं में जांचना, उसको जी कर देखना, और जी कर देखते हुए अपनी भागीदारी को बढ़ाना, जांचते हुए और बारीकी से ध्यान देना, एक काम। दूसरा सेल्फ अवेयरनेस, अभी मेरी स्थिति क्या है, जो अभी बात हो रही थी, मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ, अभी क्या स्थिति है मेरी, कल्पनाशीलता की क्या स्थिति है मेरी, कौन से संस्कार मेरे अंदर अभी बने हुए हैं, तो अपने प्रति सजगता। और तीसरा अपना मूल्यांकन, कि एक बार प्रस्ताव सामने आ गया, उसको ध्यान से सुन लिया, उसको कल्पनाशीलता में फैलाया, सजग हो गया कि अभी मेरी क्या स्थिति है, तो अपना मूल्यांकन तो सहज रूप से करेंगे ही, है ना। तो अभी हम जहाँ भी खड़े हों, होश में आने का कार्यक्रम देखिए इस प्रकार से ही है। अब क्या हो कि अगर हम अपना मूल्यांकन करने जाएं और अवेयरनेस ना हो तो चूक हो जाएगी। अवेयरनेस तो है, सही प्रस्ताव नहीं पहुंचा है, तो फिर वो अपने आप में ही एक ब्लेमिंग शुरू होगी कि देखो मैं ऐसा जी रहा हूँ, मेरे अंदर इतने सारे कुसंस्कार हैं, इतना सारा गड़बड़ चल रहा है, इतनी अशांति है, ये है वो है, है ना, ऐसा ही लगा रहेगा। इसलिए मूल मुद्दा तो सही प्रस्ताव पे पहले ध्यान देना है, जो हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूशन सेंट्रिक और प्रॉब्लम सेंट्रिक। तो अगर सेल्फ एक्सप्लोरेशन इनिशिएट नहीं किया है तो सॉल्यूशन सेंट्रिक हो ही नहीं सकते, अधिक से अधिक अवेयर हो जाएंगे, इवैल्यूएशन करने जाएंगे वहाँ चूक होगी और प्रॉब्लम पे ही टिके रहेंगे, तो अपनी कमियां देखेंगे और उसको ही
मुद्दा बना के उस पर आरोपित रहेंगे पूरे समय, या दूसरों में कमियां देखेंगे उन पर आरोपित रहेंगे। तो सोल्यूशन सेंट्रिक तभी हो पाते हैं जब हम पूरे जांच परख को अपने आप में करने के लिए प्रस्ताव का अध्ययन शुरू करते हैं। तो अपने लेवल पे करने का एक काम ये है, और इसमें आप पाएंगे कि हमारे संस्कारों में धीरे धीरे परिमार्जन होने लगता है। तो पहले जो हमारे संस्कार बने थे, जो सुकृतियां बनी हुई थी, उन सुकृतियों पे हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, और जो है नहीं है ना, और हमने मान लिया है, उस पर जैसे ही हम ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे उसका जो प्रभाव है, दबाव है, हटने लगता है, क्योंकि वास्तविकता है नहीं वैसी, हमने मान लिया, बिना जाने समझे मान लिया। अब जब मैं उसको बारीकी से देखता हूँ तो ओझल होने लगता है, ऐसा तो है नहीं, हमने क्यों मान लिया था, है ना। मानव का शरीर मान लिया, किस आधार पे मान लिया, संबंध को इस रूप में मान लिया, किस आधार पे मान लिया, पता चला बिना सोचे समझे मान लिया, है ना, किसी घटना के प्रभाव मान लिया। तो हमारे संस्कारों में धीरे धीरे परिमार्जन होने लगता है जी। तो एक काम इंडिविजुअल लेवल पे ये करने का है। तो इससे क्या होता है कि हमारे में इवोल्यूशन शुरू होता है। ये काम हम करते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बना के रखते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन करने को है ना तत्पर होते हैं, निष्ठापूर्वक करते हैं अपना मूल्यांकन। कई बार आप पाएंगे कि अपने मूल्यांकन में हम कुछ चीज़ों को पास कर देते हैं, ठीक है ना, होता है, चलता है ना, हम कोई संत महात्मा थोड़ी हैं कि एकदम से ठीक हो जाएंगे, थोड़ा बहुत तो बना के रखना ही चाहिए, ऐसा बहुत सारा कुछ हम अपने आप में सोच लेते हैं, तो वहाँ पर हम रुक जाते हैं। बट यदि हम बारीकी से अपना मूल्यांकन करें और उस पर हम काम करें तो धीरे धीरे उसमें हमको गति दिखाई देती है, और फिर हम चिंतन बोध अनुभव में जागृत होने लगते हैं। तो आप पाएंगे कि हमने, हो सकता है अपने अंदर बहुत सारे एक्सक्यूजेज बनाए हुए हैं, तो उस पर भी ध्यान दें, है ना, जो हमने एक्सक्यूजेज बना लिया अपने लिए। हम दूसरों के लिए भले ही एक्सक्यूज नहीं रखते हैं, उनको तो हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं, कितना ठीक जी रहे, कितना गलत जी रहे, अपने लिए एक्सक्यूजेज बना लेते हैं कि है ना ये तो ठीक ही है, एक समय तक ये सब बना के रखना जरूरी है कि नहीं। तो इस प्रक्रिया में हम चिंतन बोध अनुभव में जागृत होने लगते हैं, और हमारे संस्कारों का प्यूरिफिकेशन होने लगता है, हमारे संस्कार शुद्ध होने लगते हैं। तो जो भी हमारा एक्यूमुलेटेड है संस्कार पहले से, बिना जाने समझे हमने इकट्ठा कर लिया, उसको हम धीरे धीरे प्यूरिफाई कर पाते हैं, यानी जो सहज स्वीकृत है वो उभर कर आने लगता है, और जो गलत मान्यताएं हैं वो धीरे धीरे हटने लगती हैं। जैसे ही हमको कोई बात स्पष्ट रूप से दिखती है तो जो भी हमने वहां माना हुआ था उसके अन्यथा वो अपने आप गायब हो जाता है ना, क्योंकि दिख गया। एक बार आपको दिख जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, तो अपने आप को शरीर मानकर जो कुछ भी आपने संजोया हुआ था वो सब धीरे धीरे वो सब है ना सहज रूप से हट जाता है। तो ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है स्वयं में। तो इस तरह से काम करते हुए हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशंस किए, अभ्यास जी। कुछ चीज जो भैया है, जैसे आपने ये दिन ध्यान दिलाया था कि जैसे हम किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, हम रुक गए हैं, विराम हो गया कि हम क्यों सुखी होना चाहते हैं, तो आपने बताया था जो मेरा स्वभाव है। तो जैसे मान लीजिए कि हम अपने आप से एक प्रश्न पूछते हैं कि हम आपको अपना भैया क्यों मानते हैं, या आपको संबंधी के रूप में क्यों स्वीकार किया है, तो फिर उसका आंसर तो यही है कि आप तो हैं ही हमारे संबंधी, तो इसमें फिर क्या हम अपने को उत्तर देंगे। अच्छी बात है, फिर उसके आगे देखेंगे कि फिर उसमें हम देखेंगे कि बहन भाई संबंध में पूरकता क्या है, उसको हम समझेंगे, है ना। फिर हम संबंध को और गहराई में देखेंगे कि इसमें कौन से ऐसे भाव है जो सहज रूप से स्वीकार है। फिर ये स्नेह का भाव धीरे धीरे प्रेम के भाव तक फैलेगा, अगर इस संबंध के मूल में जो सहज स्वीकृत भाव है उनको स्पष्ट हो, जैसे विश्वास का भाव स्पष्ट हो। देखिएगा सिर्फ एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति ऐसा ही है, हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है, हमको देखता है कि हर एक व्यक्ति में वही क्षमता है, हर एक व्यक्ति में के परिमार्जन के लिए वही कार्यक्रम है। तो एक भी संबंध को जब हम गहराई से देखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, तो संबंध का भाव फैलता है हर एक मनुष्य के प्रति। हम यदि अपने आप को स्नेह से प्रेम की तरफ ले जा रहे थे, इस बाउंड्री को तोड़ना पड़ेगा ना। देखिए इनफैक्ट तोड़ना नहीं कहेंगे उसको, फैलना कहेंगे। तो अभी स्नेह जो है ना वो शुरुआत है प्रेम की, एक संबंध को तो हमने ठीक से स्वीकारा, ठीक है जी। उस संबंध को जब हम मौलिक रूप से देखना शुरू करते हैं भाव के स्तर पर,
जी सहज रूप से फैलता है, विश्वास हरे के प्रति, सम्मान हरे के प्रति, तो निष्ठा जो है संबंध में वही फैलती है, फिर पूरे समाज के हर व्यक्ति के प्रति निष्ठा है कि हर एक व्यक्ति सुखी हो जाए, मानव लक्ष्य पूरा हो जाए ना, तो तोड़ने वाली बात नहीं है, इनफैक्ट उसको गहराई से देखो फैलता है, संबंध का भाव फैलता है, क्योंकि तो जैसे उसको तोड़ने की बात कहते हैं तो लगता है हम किसी बाधा से संघर्ष कर रहे हैं, भाव में उतरने की बात है, अपने स्वभाव में उतरने की, अपने स्वभाव में स्थापित होने की बात है। तो अभ्यास एक और दो में जो हम अभी अभ्यास करते रहे, इसको ब्रीफली रिकैप कर लेते हैं, इस पूरे प्रस्ताव से आप परिचित हैं, हम लोगों ने इसको विधिवत अभ्यास कर रहे थे, इसको देखा था, तो ये तो हम देख ही पाते हैं कि हम निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, तो हम जीना चाहते हैं, हम सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, हम निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, तो निरंतर सुखपूर्वक जीने के क्रम में हमें स्वयं में ज्ञान समाधान को सुनिश्चित करने की जरूरत है, और ये ज्ञान समाधान स्वयं में स्वयं द्वारा ही पूरा होता है, और जब हम अपने आप में ज्ञान समाधान सुनिश्चित कर पाते हैं तो उसके आधार पर हमारा सहज रूप से व्यवहार कार्य भागीदारी बनता ही है। तो स्वयं में ज्ञान सुनिश्चित हो जाए जो पॉइंट वन में लिखा है, पॉइंट टू में अगर देखें तो सही भाव सही विचार स्थापित हो जाए जो समाधान है, और उसके आधार पर हमारा जीना हो जाए आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। तो इसको तो उन्होंने विस्तार से बात किया ही था, है ना, तो स्वयं में ज्ञान की बात करें तो स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व का ज्ञान सुनिश्चित हो और उसकी पूर्णता संपूर्णता को देखने के साथ है। तो संबंध व्यवस्था से अस्तित्व हमको ठीक से पूरा पूरा दिखाई दे जाए, जैसा है वैसा दिख जाए तो ज्ञान हुआ, उसके आधार पे हमारे अंदर भाव विचार सुनिश्चित हो जाए तो समाधान हुआ, वैसा ही फिर हमारा जीना हो जाए, तो हमारा व्यवहार भी सहस्तित्वपूर्ण हो, कार्य भी सहस्तित्वपूर्ण हो, भागीदारी भी सहस्तित्वपूर्ण हो, उसका सहज रूप से फैलन है उभय सुख उभय समृद्धि और सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी। तो इन एक्सरसाइज में देखें तो जो हमारा फोकस रहा है बेसिकली तो इसी मुद्दे पे रहा कि हम प्योर ऑब्जर्वर की तरह इन चीज़ों को देख पाए, ताकि हम अपने आप में लय संगीत में बने रहें, ताकि हम दूसरों के साथ भी लय संगीत में बने रहें। तो जो एक्सटेंशियल रियलिटी है स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक की जो व्यवस्था है, जैसा है वैसा मुझे दिखाई दे जाए और उसके आधार पर मेरे अंदर संबंध भाव संबंध व्यवस्था अस्तित्व की स्पष्टता हो जाए, उसी के आधार पर मेरे अंदर भाव विचार बने, तो उसके लिए हम लोग अभी अभ्यास एक और दो करते रहे हैं। और इसमें एक बात कि दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक तो ध्यान देने की वस्तु क्या है, दूसरा ध्यान देने की प्रक्रिया क्या है। तो ध्यान देने की वस्तु के रूप में देखें तो जो कुछ भी है, और ध्यान देने की प्रक्रिया के रूप में देखें तो उसके प्रति अवेयर होना और इवैल्यूएट करना अपने आप को, और फिर उसी क्रम में अपने आप में परिमार्जन करना बिना किसी रिएक्शन के। तो मैं जब ध्यान देता हूँ सजग होता हूँ तो मैं उसको स्वीकारता भी हूँ कि हाँ मेरी स्थिति आज के दिन तो यही है, इस क्षण में तो यही है, ठीक। और अगर ये सहज से स्वीकार नहीं है तो स्वीकार क्या है, उसको अपने आप में देखता हूँ जांचता हूँ और फिर उस परिमार्जन के लिए ध्यान देता हूँ काम करता हूँ। तो ध्यान देने की वस्तु के रूप में देखें तो तीन वस्तु हैं, चैतन्य जड़ और सहस्तित्व। तो अभ्यास एक में हमने चैतन्य को जानने का प्रयास किया, अभ्यास दो में हमने जड़ और जड़ से जो मेरा संबंध है उसको जानने का प्रयास किया, और अभ्यास तीन में हम सहस्तित्व को जानने का प्रयास करते हैं। तो पूरे से लेखे तो यही तीन तरह की वास्तविकता है, शून्य है जो क्रिया शून्य है, असीम है व्यापक है, पारदर्शी है पारगामी है, चैतन्य है जो काल में निरंतर है परंतु देश में सीमित है, और जड़ है जो देश और काल दोनों में सीमित है। इन तीन वास्तविकताओं की पूरी स्पष्टता हो जाए, ठीक, ज्ञान पूरा हुआ, इसलिए ज्ञान के मुद्दे में आपको दिखाई दिया कि ज्ञान पूरा हो सकता है, ज्ञान ऐसा नहीं है कि कभी पूरा नहीं होगा जैसा कई बार हम मान लेते हैं, और जैसे जैसे मानते हैं तो हम ज्ञान के प्रति आश्वस्त भी नहीं होते, इसलिए ज्ञान पूरा हो सकता है और वो ज्ञान मुझ में मेरे द्वारा ही पूरा होना है। तो जब ऑब्जर्व करने जाते हैं तो ये बातें हमें को ध्यान तो अपने को दिखाई देता है कि इस पूरे क्रम में क्योंकि मुझे स्वयं में स्वयं द्वारा ही देखना है तो शरीर का कोई मेजर रोल नहीं है, तो आंखों को आराम दे सकते हैं, खासतौर पर अगर अभ्यास एक को देखें तो आंखों को आराम दे सकते हैं, शरीर को भी आराम दे सकते हैं, कोई ऐसी स्थिति में रख सकते हैं जिससे सजगता बनी रहे। तो अभ्यास एक के मुद्दे देखें ध्यान देने के, तो ये मुद्दे हैं।
कि पहले स्टेप में हमने कहा कि अपने भाव के प्रति सजग होना है, जैसा है वैसा देखना है और उस भाव के साथ पूरी कल्पनाशीलता को देखना है। कई बार जो आप देखने जाते हैं तो कल्पनाशीलता के स्थान पर खाली विचार दिखाई देता है, विचार के पीछे भाव नहीं दिखाई देता है। तो हुआ कि ठीक है, विचार से शुरू करें, फिर विचार के प्रयोजन को देखें, उसका अंडरलाइन फीलिंग दिखाई देने लगती है कि जो विचार कर रहा हूं मैं किसी संबंधी के बारे में तो उसके पीछे भाव क्या है, वो भाव दिखने लगता है। तो अपने भाव के प्रति सजग होना है, ऐसा उन्होंने स्टेप वन में अभ्यास किया और उसके साथ पूरी कल्पनाशीलता के प्रति सजग होना है। और इसमें ये प्रयास किया हमने कि कोई रिएक्शन ना हो, कोई अलग से हम अपने ऊपर भाव आरोपित ना करें, कोई बदलने का प्रयास ना करें, है ना, उसको नकारे नहीं, जैसा है वैसा बस उसको ऑब्जर्व करें बिना किसी रिएक्शन के। अब स्टेप टू में हमने फिर उसका मूल्यांकन किया कि क्या ये भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। तो स्टेप वन में कोई मूल्यांकन नहीं किया, स्टेप वन बस देखते गए, है ना, तटस्थ भाव से देखते गए। आप पाएंगे कि इस अभ्यास एक में स्टेप वन खासतौर पर महत्वपूर्ण है। हम कई बार स्टेप वन को नहीं कर पाते और आगे स्टेप में जाने लगते हैं, तो वो जो हमारे में व्याकुलता बनी हुई है उसका मूल्यांकन कई बार नहीं हो पाता, तो उसको स्टेप वन को ठीक से करना है। फिर हम देखते हैं अभ्यास तो एक के दो सेकंड स्टेप में कि सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। फिर स्टेप थ्री में देखते हैं कि इसके साथ मेरी स्थिति सुखद है या दुखद है, आराम में हूँ या परेशान हूँ, तो इसको भी देखते हैं। फिर स्टेप फोर में अपने आप से पूछते हैं कि इसका निर्णय कौन ले रहा है, जो मेरे अंदर भाव है उसका निर्णय कौन ले रहा है। तो थोड़ी सी जांच परख से दिखता है कि मैं स्वयं ही निर्णय ले रहा हूँ। ये बात एक बार मुझे दिखती है कि मैं अपने भाव का निर्णय स्वयं लेता हूँ और अपने भाव विचार से मैं सुखी दुखी होता हूँ, तो ये एक सहज रूप से निष्कर्ष निकलता है कि मैं अपने सुख दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। और इससे एक और मेजर बात निकल कर आती है, इसमें भी आपको एक गति दिखाई दी होगी कि हम शिकायतों से मुक्त होने लगते हैं। तो आप देखेंगे कि हम शिकायतों से मुक्त होने लगते हैं। तो स्टेप फोर में जब इस बात को देखते हैं कि मैं अपने सुख दुख का निर्णय स्वयं लेता हूँ, क्योंकि भाव का निर्णय तो मैंने ही लिया है, मैं दूसरों के प्रति शिकायतों से मुक्त होने लगता हूँ। फिर हम स्टेप फाइव में देखते हैं कि जो भी मैं भाव का निर्णय लेता हूँ उसका आधार क्या है, समझ या मान्यता, इसको अपने आप में पूछता हूँ, समझ आधार या मान्यता। फिर कैसे तय हो कि समझ है या मान्यता है, तो मैं अपने आप से पूछता हूँ स्टेप सिक्स ए में कि मुझे कौन सा भाव स्वीकार होता है, संबंध का भाव या विरोध का भाव, व्यवस्था का भाव या अव्यवस्था का भाव, अस्तित्व का भाव या संघर्ष का भाव। तो अपने आप से पूछने भी दिखता है कि नहीं, मुझे संबंध का भाव, व्यवस्था का भाव, अस्तित्व का भाव ही सहज रूप से स्वीकार होता है। तो मेरे अंदर एक निर्णय बनता है स्टेप सिक्स बी में कि फिर मुझे संबंध का चिंतन करना है, व्यवस्था का बोध सुनिश्चित करना है, अस्तित्व के अनुभव तक पहुंचना है। फिर स्टेप सेवन में हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि कम से कम इस क्षण तो मेरे अंदर संबंध का भाव हो, व्यवस्था का भाव हो, अस्तित्व का भाव हो, एक एक क्षण से शुरू करते हैं। और फिर स्टेप सेवन बी में उसको हर क्षण सुनिश्चित करने का काम करते हैं। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, भाव के प्रति सजग हुए, उसका मूल्यांकन किया, मूल्यांकन में उसके आधार को देखा, फिर निर्णय लिया कि समझना है, क्योंकि आधार में कुछ चूक दिखाई दे रही है, मान्यता दिखाई दे रही है, और फिर उसको अपने आप में सुनिश्चित किया। तो इससे हमारे भाव का शुद्धिकरण हो रहा है, परिमार्जन हो रहा है ना, और हम चिंतन की ओर गति कर रहे हैं। इसको ठीक से करेंगे तो हम चिंतन की ओर प्रवृत्त होंगे। जब हम अनुभव गामी विधि को देख रहे थे तो जो एरो लगा हुआ था चित्रण से चिंतन की ओर, उस एरो पे काम कर रहे हैं। ये जो मूल्यांकन करके अपने आप में सहज स्वीकृति को देखना और फिर उसको सुनिश्चित करने का काम है, वही उस एरो पे काम कर रहे हैं, चित्रण से चिंतन की ओर जाने के लिए काम कर रहे हैं। उपलब्धि अभ्यास एक की रही कि हमने अपने आप में स्टेप वन टू स्टेप सेवन करते हुए अपने आप में संबंध के भाव, व्यवस्था के भाव, अस्तित्व के भाव को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। और फिर जब ऐसा अपने आप में सुनिश्चित करते हैं तो जीते भी हैं। और ये भी दिखेगा कि इस अभ्यास को ठीक से करने के लिए, अपना मूल्यांकन फैल कर करने के लिए, फैल कर जीना भी जरूरी है। कमरे में बैठ कर मूल्यांकन करते हैं तो टिक मार्क लगाते जाते हैं, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ऐसा भी ठीक है ना, बढ़िया आदमी हुआ, सब अच्छा चल रहा है। बट जब उतरते हैं समाज में, जीते हैं हर तरह के मनुष्य के साथ, तो मेरे भाव उभर उभर कर सामने आते हैं कि देखो यहाँ फंसा हुआ हूँ, यहाँ विरोध हो रहा है, यहाँ मैं संवेदनाओं से प्रभावित हो रहा हूँ कि नहीं। तो स्टेप वन में हम अपने लिए अवेयर हुए अपनी कल्पनाशीलता के प्रति,
बिना प्रतिक्रिया किए, बिना उसको रोके बदले। स्टेप टू और थ्री में अपना मूल्यांकन किए। स्टेप फोर में निर्णय को देखे, इस निर्णय कौन ले रहा है और इसने स्तर से पहुंच पाया कि मैं ही निर्णय लेता हूँ। स्टेप फाइव में हमने अपने भाव के आधार को देखा और हम फिर इस निर्णय को ले पाते हैं कि समझना जरूरी है, क्योंकि तो मान्यताओं के आधार पर चलेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि समझना जरूरी है, समझने की आवश्यकता है। स्टेप सिक्स ए में अपने आप से पूछा हमने कौन सा भाव सहज रूप से स्वीकार है, संबंध या विरोध, व्यवस्था या अव्यवस्था, अस्तित्व या संघर्ष, और फिर इस निर्णय को ले पाए। तो स्टेप फाइव में निर्णय ले लिया कि समझना है, स्टेप सिक्स में निर्णय ले पाए कि क्या समझना है, और समझने का मतलब भी क्या है कि चिंतन बोध अनुभव में जागृत होना है। तो संबंध का चिंतन करना है, व्यवस्था का बोध सुनिश्चित करना है, अस्तित्व के अनुभव को स्वयं में जागृत करना है। फिर स्टेप सेवन में उसको इंश्योर कर रहे हैं एक क्षण से शुरू करके हर क्षण, और एक बार ये स्थिति बनने लगती है तो हमारे अंदर सुख बढ़ने लगता है। हर क्षण सुनिश्चित कर पाता हूँ, हर क्षण सुखी रहता हूँ। तो सार रूप में देखें तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हम अपने अंदर संबंध के भाव, व्यवस्था के भाव, अस्तित्व के भाव को देखने का काम कर रहे हैं, और फिर हम उसको अपने आप पर सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम अपनी कल्पनाशीलता के प्रति हर क्षण सजग हैं। इसलिए स्टेप वन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मौलिक है, और ये भी देख पाए कि इसका निर्णय मैं ले रहा हूँ, ताकि हम ये आरोप दूसरे पे जो लगाने का काम है अभ्यास बन जाता है हमारा, उससे हम निकल पाए। तो मुझे दिखेगा कि मेरे दुख के लिए, मेरी समस्याओं के लिए मेरा स्पाउस, मेरे बच्चे, मेरे संबंधी, मेरे इन-लॉज, मेरे सहकर्मी है ना, अड़ोसी पड़ोसी, ये जिम्मेदार नहीं है, मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो ये जिम्मेदारी का भाव भी स्वयं बनेगा और फिर उसके साथ परिमार्जन के लिए गति भी कर पाएंगे। जी, स्टेप वन में इम्पोर्टेंट यह है कि हम अवेयर हों हर क्षण। स्टेप सिक्स ए में इस बात को हम देख पाए कि मुझे संबंध का, व्यवस्था का, अस्तित्व का भाव स्वीकार होता है। स्टेप सिक्स बी में हम इसके चिंतन बोध अनुभव को जागृत करने का निर्णय ले पाए, है ना, कि इसको सुनिश्चित करना अपने आप में, और स्टेप सेवन में मैं इसको सुनिश्चित करूं, एक क्षण से स्टार्ट करके हर क्षण अपने आप में सुनिश्चित करूं। इसका एक सहज रूप से जो आउटकम है वो ये है कि मैं अपने आप में फिर सुखी रहता हूँ, हर क्षण सुखी बना रहता हूँ, जो हमारी मूल चाहना है कि नहीं, हमारा लक्ष्य है। और ये शिक्षा विधि द्वारा अगर हर मानव को उपलब्ध हो जाए तो आप देख सकते हैं कि समाज का क्या स्वरूप होगा। जो बाहर में इतनी भगदड़ है, बाहर से कुछ पाकर सुखी होने की जो भगदड़ है, उसके स्थान पर हर व्यक्ति अपने आप में शोध कर रहा है, अपने आप में परिमार्जन के लिए काम कर रहा है ना। तो अगर आप समाज के स्तर पर देखें तो एक मतलब फिनोमिनल चेंज दिखाई देगा। जो सुविधाओं को लेकर, संवेदनाओं को लेकर, मान्यताओं को लेकर भगदड़ है, संघर्ष है, युद्ध है ना, उसके स्थान पर हर व्यक्ति को दिख रहा है कि सुखी मुझे होना है, उसके लिए मुझे अपने आप ही काम करना है, उसके लिए बाहर भगदड़ की जरूरत नहीं है। तो सार रूप में देखें तो स्वयं में ये काम कर रहे हैं। विस्तृत रूप में देखें तो समाज में इस तरह के परिमार्जन के लिए एक संस्कृति, एक सभ्यता का निर्माण हो रहा है ना, जो करने योग्य काम है। अभ्यास दो में हमने फिर मैं और शरीर के अस्तित्व को देखने का अभ्यास किया, तो जड़ और चैतन्य इन दोनों पे ध्यान दिया। अभ्यास एक में चैतन्य पे ध्यान दिया, अभ्यास दो में जड़ और चैतन्य दोनों पे ध्यान देंगे, और जड़ से चैतन्य कैसे जुड़ा है, अस्तित्व किस प्रकार बना हुआ है, इस पे ध्यान देते हैं। तो दो वास्तविकताएं मुझे दिखाई देती हैं, मैं और शरीर, यानी जड़ और चैतन्य, और दिखता है कि इनके बीच में सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। मैं शरीर को निर्देश देता हूँ, शरीर में हो रही घटनाओं को मैं संवेदना के रूप में पढ़ता हूँ, और मैं आवश्यकता अनुसार समयानुसार करता ही रहता हूँ। जी, नेक्स्ट। तो इसमें भी हमें फिर सात स्टेप्स दिखाई देते हैं। अगर इसके स्टेप्स को एक एक करके देखें तो पहले स्टेप में हम ये देखते हैं कि मैं हूँ, इसमें काफी अवेयरनेस तो अभ्यास एक से बन जाती है, और ये भी दिखता है कि शरीर भी है, और दिखता है कि मुझे शरीर के होने का पता संवेदनाओं के माध्यम से चलता है। तो मैं संवेदनाओं को पढ़ता हूँ, इससे मुझे पता चलता है कि शरीर है, और ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं, इसको एक संभावना के रूप में पहचानता हूँ। देखने का काम तो आगे करेंगे, इसको एक संभावना के रूप में मैं पहचानता हूँ। फिर स्टेप टू में मैं और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको मैं देखता हूँ,
कैसे मैं समयानुसार आवश्यकता अनुसार शरीर को निर्देश देता हूँ और शरीर में होने वाली घटनाओं को मैं पढ़ता हूँ संवेदना के रूप में, ऐसा मैं स्टेप टू में ऑब्जर्व करता हूँ। स्टेप थ्री में देखता हूँ कि जो सूचना लेने देने का काम है इसमें निर्णय किसका है, शरीर का है, किसी बाहरी वस्तु का है, किसी अन्य व्यक्ति का है या मेरा है, तो दिखता है कि मेरा ही निर्णय है। इसको हमने कई प्रकार से देखा था, है ना, रिफ्लेक्स एक्शन में कैसे कर रहा हूँ मैं, कोई भी काम कर रहा हूँ तो हर काम को धीरे धीरे करके देखना था कि देखें जरा निर्णय लिया था या अपने आप हो गया था। तो स्टेप थ्री में हमने इस निर्णय लेने वाले पक्ष को देखा। फिर स्टेप फोर में हमने संवेदना को पहचानने का प्रयास किया कि संवेदना और मेरे में दूरी क्या है, क्या मैं ही संवेदना हूँ, क्या मैं संवेदना में हूँ, संवेदना है ना मेरे भीतर है, या मैं संवेदना से बाहर हूँ, संवेदना से एक दूरी बनी हुई है। और इस चीज को देखते हुए मुझे अपने से शरीर की दूरी भी स्पष्ट हुई। तो दिखता है इसमें कि मैं शरीर से दूर हूँ, मैं संवेदना से दूर हूँ, मैं संवेदना नहीं हूँ। फिर हम स्टेप फाइव में संवेदना को अध्ययन करते हैं। तो दिखता है कि तीन तरह से संवेदनाओं को मैं पढ़ता हूँ जो मुझ तक पहुँचती है। एक तरह की संवेदना है जो शरीर के भीतर हो रही है, शरीर में खाज खुजली हो रही है, रक्त दौड़ रहे हैं, है ना, हृदय धड़क रहा है शरीर के भीतर। दूसरी तरह की संवेदना है जो दूसरे मनुष्य के व्यवहार से मिल रही है, किसने कुछ कहा, कान पे ध्वनि आई, ध्वनि को मैंने पढ़ा, दूसरे का व्यवहार। और तीसरा जिसमें शेष प्रकृति में जो कुछ भी घटनाएं हो रही है, कोई दृश्य चल रहा है ना, जाड़ा गर्मी बरसात का शरीर पर प्रभाव है, इन सबको अगर जोड़ के देखें तो तीसरे की तरह की संवेदना है। तो हम जो मुझसे बाहर जो कुछ है उसके साथ जब मैं अपने जुड़ाव को देखता हूँ तो ये दिखाई देता है। फिर मैं उसमें देखता हूँ कि मैं इसको कोई अर्थ देता हूँ, तो ये तीन तरह की संवेदना आती हैं और इसको मैं अर्थ देता हूँ, और जो मैं अर्थ देता हूँ वो मेरे संस्कारों से जुड़ा हुआ है ना। तो अगर मेरा संस्कार समझ पर आधारित है तो मैं अप्रभावित रहता हूँ, रिस्पॉन्ड करता हूँ। अगर मेरा संस्कार मान्यताओं पर आधारित है तो मैं रिएक्ट करता हूँ। और उसको उन्होंने 9 स्टेप्स में फैलाकर देखा था कि कैसे कोई बाहर घटना घटित होती है, उसकी सूचना मुझ तक पहुंचती है, फिर मैं उसको अर्थ देता हूँ, इस अर्थ से मैं प्रभावित होता हूँ या अप्रभावित रहता हूँ, फिर उसके बाद मैं निर्णय लेता हूँ, फिर निर्णय को मैं शरीर तक पहुंचाता हूँ निर्देश के रूप में, फिर शरीर से कोई हरकत होती है। उसको उन्होंने स्टेप 5 में विस्तार पूर्वक देखा था। और फिर हम स्टेप 6A में देखते हैं, है ना, कि ये जो मैं अर्थ देता हूँ अगर समझ पर आधारित है तो मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ, और 6B में देखा था कि अगर मान्यता आधारित है तो कैसे मैं रिएक्ट करता हूँ। तो जो मैं अर्थ दे रहा हूँ उसमें मेरा संस्कार किस प्रकार जुड़ा हुआ है, इसको हमने स्टडी किया था कि समझ पर आधारित है या मान्यता पर आधारित है, इतना हमने देखा। और अल्टीमेटली देखें तो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, इसको देखा। और मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँ इसके लिए जरूरी, फिर मैं वापस अभ्यास एक में जाता हूँ रिस्पॉन्स देने के लिए कि कैसे मैं रिस्पॉन्स करूँ, कैसे मैं रिस्पॉन्ड करूँ हर परिस्थिति में, है ना। तो मुझे इसके लिए अपने भाव पे काम करना, अपने संस्कारों पे काम करना। तो एकता के विचार के पीछे भाव है, भाव के गहरे में संस्कार है, जो हम लोग अभ्यास एक में अभ्यास करते रहे, उसको मैं बारीकी से अगर करता हूँ तो ये स्टेप 6 में हर क्षण में कैसे रिस्पॉन्ड करूँ इसके लिए मैं काम कर पाता हूँ। स्टेप 7 में हमने थोड़ा जंप लिया इससे, थोड़ा आगे गई बात, तो मैं शून्य को देखने का और शून्य में स्वयं को देखने का काम शुरू करता हूँ। तो इसको बस हम लोगों ने बहुत ही ब्रीफली टच किया था, इस पर समय नहीं लगाया था, परंतु ये होश रहे कि शून्य है और मैं शून्य में हूँ, संपृक्त हूँ, और मुझे इस पर ध्यान देना है ना, यहीं से ज्ञान की पूर्णता होगी। इनफैक्ट आप जब शून्य में स्वयं को देखना शुरू करते हैं, शून्य में प्रकृति को देखना शुरू करते हैं, तो जो प्रकृति के रूप और गुण में हम उलझे रहते हैं कई बार, उससे हमको एक जंप मिलता है ना, जब के सार पे ध्यान जाता है, तात्विकता पे ध्यान जाता है। तो हम प्रकृति पे भी ध्यान देते हैं, उसकी व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं, उसके स्वभाव को समझने का प्रयास करते हैं, तो कई बार हम रूप और गुण में उलझ के रह जाते हैं, पेड़ पौधे के रूप को, बिल्डिंग के रूप को, है ना, वस्तुओं के रूप को कई बार हम देख रहे होते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं, परंतु जब हम इस संपृक्तता पे मौलिकता पे ध्यान जाता है ना, कि किस प्रकार संबंध बना हुआ है, किस प्रकार व्यवस्था बनी हुई है, किस प्रकार मैं भी बना हुआ हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं ऊर्जित हूँ, नियंत्रित हूँ, है ना, तो ध्यान जाता है। बट इसको हमने ब्रीफली टच किया था स्टेप 7 को।
तो इन सारे स्टेप्स को सारूप में देखें तो स्टेप वन में हमने अपने और शरीर को ऑब्जर्व किया और पहचाना कि दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। स्टेप टू और थ्री में हमने मैं और शरीर के बीच इंटरेक्शन को देखा, किस प्रकार से इंटरेक्शन हो रहा है और उसका निर्णय कौन ले रहा है। स्टेप फोर में हमने संवेदना से अपनी दूरी को देखा कि मैं संवेदना हूँ या संवेदना से दूर हूँ, उससे मुझे शरीर से दूरी स्पष्ट हुई। तो स्थान में वही बना हुआ हूँ जहाँ शरीर है, बट मेरे से एक दूरी बनी है क्योंकि मैं न तो संवेदना का हिस्सा हूँ न संवेदना मेरे से मेरा हिस्सा है, मुझसे बाहर है। दूरी का मतलब मुझसे बाहर है। तो स्टेप फाइव में हम किस तरह संवेदना को अर्थ देते हैं और या क्या रिस्पॉन्ड करते हैं उसको हमने देखा। तो अर्थ देने वाले भाग को देखा, कैसे मेरा संस्कार के आधार पर अर्थ दिया जाता है मुझे, है ना, जिससे मैं प्रभावित होता हूँ या अप्रभावित रहता हूँ। फिर स्टेप सिक्स में हमने देखा कि किस प्रकार मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, किस प्रकार मैं रिएक्ट करता हूँ। तो जब मैं अर्थ मान्यता के आधार पर देता हूँ तो रिएक्ट करता हूँ, समझ के आधार पर देता हूँ तो रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो एक्सप्रेशन वाले भाग को भी जोड़कर देखा, है ना, एज इफ कोई बाहर से मेरे ऊपर कोई कैमरा लगा हुआ है और मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन, मेरे हाथ पांव कैसे चलते हैं, मेरे शब्द कैसे निकलते हैं, है ना, इरिटेट होकर मैं क्या बोल जाता हूँ, है ना, कोई चीज पसंद आती है, संवेदना अनुकूल लगती है तो कैसा मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन बनता है। इन सब चीजों को अपने आप में देखने का प्रयास किया ताकि मुझे अपने संस्कारों का पता चले, है ना, कि कैसे कैसे मैं रिएक्ट रिस्पॉन्ड करता हूँ। और स्टेप सेवन में शून्य में अपने आप को देखा, शून्य में शरीर को देखने का प्रयास किया और इसको फिर लेकर आगे चलते हैं। ये शुरुआत है स्टेप अभ्यास तीन का। तो शून्य में बने रहते हुए मैं ऊर्जित हूँ, नियंत्रित हूँ, शरीर के साथ मेरी परस्परता बनी हुई है और मैं इसका निर्वाह कर रहा हूँ। तो शून्य आधार में इसको देखने का हम अभ्यास करते हैं स्टेप सेवन में। जी, तो एसेंस में देखें तो स्टेप वन टू और थ्री में हमें देख पाते हैं कि मैं और शरीर ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं और मेरे और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है सिर्फ सूचनाओं का हो रहा है, ठीक है ना, कोई इसमें मटेरियल ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई पदार्थ का ट्रांजैक्शन नहीं। शरीर को मैं निर्देश देता हूँ वो भी सूचना है, शरीर में होने वाली संवेदनाओं को पढ़ता हूँ ये भी सूचना है, और जो डिसीजन है वो मेरा है। स्टेप फोर और सेवन में देखें तो हम ये देख पाते हैं कि मैं शरीर से दूर हूँ। तो स्टेप फोर में हमने इस चीज को देखा और स्टेप सेवन में भी जब मैं शून्य में अपने आप को देखता हूँ और शून्य के माध्यम से शरीर के साथ होने वाले आदान प्रदान को देखता हूँ तो भी मुझे पता लगता है कि मैं शरीर से दूर हूँ, शरीर से बाहर हूँ। स्टेप फाइव और सिक्स में जो शरीर से मेरा आदान प्रदान हो रहा है या बाहर की दुनिया से आदान प्रदान हो रहा है उसको मैं कैसे अर्थ देता हूँ और उस अर्थ के आधार में कैसे समझ या मान्यता काम करती है इसको हम लोग देखते हैं, है ना, और उससे हमें अपने संस्कारों के प्रति होश होता है, फिर अपने संस्कारों में परिमार्जन के लिए काम करते हैं। तो सार रूप में देखें तो अभ्यास दो में इतना सारा काम हम कर रहे हैं। तो और इसको सार रूप में देखें तो स्टेप वन टू थ्री फोर और सेवन में हम देख पाते हैं कि मैं और शरीर ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं जो शून्य में बनी हुई है, इन दोनों की दूरी है और शून्य के माध्यम से ही इसके बीच में आदान प्रदान हो रहा है, और आदान प्रदान में जब भी देखें तो निर्णय मेरा है। तो शून्य के माध्यम से जो मैं शरीर आदान प्रदान कर रहा हूँ ये निर्णय मेरा है। स्टेप फाइव और सिक्स में देखें तो जो इंटरेक्शन हो रहा है मेरा और शरीर के साथ उसमें मैं कैसे अर्थ देता हूँ, है ना, और अर्थ कैसे मेरे समझ या मान्यता पर आधारित है इसको मैं देख पाता हूँ, और उससे मुझे अपने संस्कारों का पता चलता है कि मैं अपने संस्कारों के आधार पर ही रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो स्टेप वन टू थ्री फोर और सेवन को देखें तो देखता है कि ये कुछ ऐसी बात है कि एक बार इसे देख लें तो अपने आप में बना रहता है, है ना। तो अगर मैं देख पाता हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से मेरी दूरी है, आवश्यकता अनुसार समय अनुसार ही मैं शरीर के साथ सूचना का आदान प्रदान करता हूँ और मैं शून्य में हूँ, शरीर शून्य में है, शून्य के माध्यम से आदान प्रदान हो रहा है, एक बार देख लिया तो अपने आप में बना रहता है, कम से कम उसकी स्वीकृति तो बनी रहती है, है ना। बट अगर हम स्टेप फाइव ये फाइव और सिक्स को देखें जो पार्ट बी है तो इस पे अपने को बराबर काम करने की आवश्यकता दिखाई देती है, इस पे काम करते रहें, है ना, और ये एक अनवरत काम करते रहने की जरूरत है इसके ऊपर।
जब तक कि ज्ञान पूरा ना हो जाए कि नहीं, तो वी कैन कीप ऑब्जर्विंग, अपने आप में देखते रह सके, ताकि हमको अपने संस्कारों के प्रति होश बना रहे और अपने संस्कार में हम परिमार्जन कर पाए, ठीक है ना। तो जब भी हम शरीर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम उसको बेहतर ढंग से कर पाए, हमारे संस्कारों में परिमार्जन हो पाए। तो इसलिए हमें स्टेप फाइव पे इंटेंसिवली काम करने की जरूरत है, ठीक है ना। ये इनमें भी मूल मुद्दा अगर देखें तो यह है कि मैं कैसे उस संवेदना को अर्थ दे रहा हूँ, उस अर्थ को मैं पहचान पा रहा हूँ कि नहीं। अपने आप कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, अपने आप मैं मुस्कुरा दे रहा हूँ, हंस दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अपने आप मेरी त्योरियां चढ़ जाती हैं, मुंह से आप शब्द निकल जाते हैं, है ना, इरिटेट हो जाता हूँ, कुछ कह बैठता हूँ, अपने आप नहीं हो रहा, उसके पीछे मैंने कोई अर्थ दिया है। तो ऐसा कई बार लोगों के शेयरिंग से निकल कर आया है, स्टेप फाइव को करते हुए वो अभ्यास एक को और बेहतर ढंग से कर पाते हैं। इनफैक्ट करना ही होगा, अगर हम अपने संस्कार को देखने जाएंगे तो फिर अपने भाव को ही तो देखेंगे वहां पे जाकर। तो स्टेप फाइव पे अगर हम बारीकी से काम करते हैं तो अभ्यास एक को हम और बेहतर ढंग से कर पाते हैं। यहाँ पे रखा गया जिसको उन्होंने विस्तार से रखा था जब स्टेप फाइव की चर्चा की थी। तो जो भी एक्सप्रेशन है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ वो तो हो रहा है ना, परंतु उसके मूल में जो संस्कार को मैं अपने संस्कार के आधार पर अर्थ दे रहा हूँ, ये ऑब्जर्व करना मुख्य बात है। और यहाँ से अभ्यास एक आपका कनेक्ट होता है। तो ये जो मेरा रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है ना, ये इसी आधार पे हो रहा है। तो जो भी बाहर की घटनाएं हैं, जो शरीर में होने वाली घटनाएं हैं, उसको मैं संस्कारों से जोड़कर अर्थ देता हूँ और उसके आधार पर फिर मैं निर्णय लेता हूँ। फिर वो एक्सप्रेशन में जाता है जिसको हम लोग स्टेप सिक्स में देखे थे, कैसे मैं रिएक्ट करता हूँ, कैसे मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। फिर स्टेप सेवन में हम अपने आप को शून्य में देखने का अभ्यास करते हैं, तो दिखता है कि मैं अस्तित्व में हूँ, शून्य में हूँ, शरीर भी शून्य में है और जो भी शरीर के साथ आदान प्रदान हो रहा है शून्य के माध्यम से हो रहा है। और इसको जब देखना शुरू करता हूँ तो एक दूरी के रूप में पहले देखता हूँ कि दो इकाइयों की कितनी दूरी है, फिर धीरे धीरे संपृक्तता भी दिखाई देती है। और ये जब भाव मेरे अंदर स्थापित होता है तो मेरे अंदर सत्य का ज्ञान होता है, मेरे अंदर सत्य का ज्ञान होता है, प्रेम का भाव स्थापित होता है, करुणा का भाव स्थापित होता है। तो सार में देखें तो पूरे ज्ञान का सार तो यही है कि मुझमें सत्य का ज्ञान हो जाए, मेरे अंदर प्रेम का भाव हो जाए और करुणा पूर्वक जीना हो जाए। यही मेरा परिमार्जन है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, ताकि मेरी क्रियाओं में पूर्णता हो जाए, अनुभव तक पहुंच जाए। जी, तो अल्टीमेटली देखें तो अभ्यास एक में हम अपने आप में क्रियाओं की पूर्णता के लिए काम कर रहे हैं, ताकि मेरे अंदर संबंध का चिंतन हो जाए, व्यवस्था का बोध हो जाए, अस्तित्व का अनुभव हो जाए, है ना, ताकि मेरे अंदर हर क्षण सुख बना रहे, मैं हर क्षण ऐसी स्थिति में रहूं, सुख एक नाम है, मैं ऐसी स्थिति में रहूं जिसको मैं सहज रूप से स्वीकारता हूं हर क्षण कि नहीं, उसी को सुख कहा। तो इसी में देखते हुए है ना, अल्टीमेटली अभ्यास एक और दो को हम कर रहे हैं, इस पर पूरी बात हुई। तो अभ्यास दो में देखें तो स्टेप 1, 2, 3, 4 और 7 की स्वीकृति हमारे अंदर बन जाती है, और स्टेप 5 और 6 पे हम अनवरत काम कर रहे होते हैं अपने संस्कारों में परिमार्जन के लिए। और स्टेप 5 और 6 को ठीक से पूरा करने के लिए अभ्यास एक में जाने की जरूरत है ना। तो यहाँ से अभ्यास दो और एक कनेक्ट होते हैं। इनफैक्ट आप जब अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें दोनों मिले जुले दिखाई देंगे, बट उसको भी हम स्टेप वाइज देख सकते हैं कि कहाँ कैसे दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ये हम लोग अभी मूल्यांकन में है ना, ये तो जब अभ्यास एक और दो कर रहे हैं तो विस्तार से रखते, परंतु मूल्यांकन के कुछ बिंदु हैं